नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बेसिक क्लास। तो हम सामाजिक समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान के कुछ अध्याय हम कर चुके हैं। कौन कौन से अध्याय कर चुके हैं, जिसके जिसके एमसीक्यू कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आसानी से देख सकते हैं। सभी पाठों के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, संसाधनों का विकास, जल संसाधन, कृषि, शक्ति साझाकरण, संघवाद, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, ये आपका जो था ये भाग 10 था, भाग 10। ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं भाग 11। भाग अंतिम भाग होगा और ये 11 भाग, और आपका ये SST समाप्त हो जाएगी, सामाजिक विज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद चलेंगे CBSE द्वारा जारी सैंपल पेपर पत्र उत्तर सहित, इस पे चलेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे कौन से पार्ट से आए हैं सब कुछ दिखाते हुए चलूंगा, और काफी मौज तरीके से, ताकि आपको समझ में आए कौन सी चीज कहां सही है। तो भाग 11 पे चलते हैं। पेज नंबर है आपका, पेज नंबर कहां चला गया, पेज नंबर 122। ठीक है, आप भी देखते रहो। ठीक है, ये रहा 122, ये रहा, अरे 122 ये वाला नहीं यार, ये रहा, ये खोल गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। कुछ मैंने इसको होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो 19वें का जो आंसर था आपका, 19वें का आंसर ये वाला होगा। ठीक है, घ, ठीक है, मनरेगा वाला। कई बच्चों ने काफी अच्छा शानदार उत्तर दे रखा है। 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी। आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोनों में 100-100 है, 200-360 कुछ ऐसा है ही नहीं। दोनों अगर ऑप्शन चेक करोगे तो 100-100 कॉमन है, इसका आंसर 100 ही हो जाता है। ठीक है, और आपका होमवर्क में नहीं था, तो उम्मीद है ये वाला भी आपका कर लिया। तो जितने बच्चों ने कमेंट किया था धन्यवाद। बाकी हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जल्दी देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रखा तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार विजिट करके जरूर देखें। वहां पे हम बस वीडियो ही शेयर नहीं करते प्यारे बच्चों, आपके रिवीजन भी करा रहे हैं। जो बच्चे एक बार ज्वाइन हो जा रहे प्यारे बच्चों, वो जल्दी जाते नहीं है। एक बार अगर आप देखोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। चलिए, किस क्षेत्र में मामलों में रोजगार के शेयर 1977-78 से 2017-18 हो गए है प्यारे बच्चों, क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें? ठीक है, इसमें तृतीय माध्यमिक प्राथमिक क्षेत्र सारा मेरे को तो एक जैसा कलर दिख रहा है। ठीक है, मुझे एक कलर ही दिख रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है ब्लैक एंड व्हाइट में है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, जिस वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 21 को हम कैंसिल कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। तो 18 हो गए, तो सब कुछ बढ़ता हुआ तो दिख रहा है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे कुछ दिखेगा, कुछ अंक नहीं दिखाई नहीं देते मेरे को, थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ पे। 71-72 दिख रहा है, 71 कैसे हो जाएगा देखो। अच्छा, ये 18 प्रतिशत में होगा ना वो, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अलग बात है। अच्छा, दिखता तभी तो क्वेश्चन नंबर 21 को गोली मारते हैं, हम आगे आते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखो, ये होता है ग्राफ। ये कितना अच्छा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए गए बार ग्राफ, मैथ में तो आपने पढ़ा होगा ना, बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और कुछ लीजिए और उत्तर दीजिए। शेयर क्षेत्र में GDP प्रतिशत है, प्राथमिक माध्यमिक तृतीयक, द्वितीयक भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो कौन से वाले में है जी ग्राफ अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अच्छा, प्रश्न भी पूछा कहाँ पे है, प्रश्न ये रहा 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद GDP में किस क्षेत्र के हिस्सेदार या शेयर सबसे कम है, सबसे कम है। ठीक है, तो ध्यान देखो सबसे कम किसकी है, देखने से तो कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ देखो तो प्राथमिक वाला है, ये द्वितीयक वाला है, ये तृतीयक वाला है, तो कितना है 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, ये 30 पे ही हो गया। या अगर देखो तो 10 में है, 10 में है, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये बड़ा है। ठीक है, तो सबसे कम किस में आया है बच्चों, तो सबसे कम आपका प्राथमिक में है। देखो 10, 20, 30, 40 प्रतिशत था, 10, 20, 30 प्रतिशत हो गया, तो प्राथमिक वाले में आ जाएगा। अधिक वाला पूछता तो हम प्राथमिक क्षेत्रक नहीं करते, तृतीयक क्षेत्रक में टिक करते थे। चलो आगे चलते हैं। तालिका टेबल में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। विभिन्न क्षेत्र में श्रमिक लाखों में, अच्छा लाखों में है भैया, 2,00,000, 9,00,000, 17,00,000, कुल 28,00,000, 54,00,000, 76,00,000, ये कई जगह खाली छोड़ दी। चलो कोई बात नहीं, टेबल को देखते हुए किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में श्रमिक मिलते हैं, तो टोटल में देखो 28, तो यहाँ देखो 28, तो प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा यार, ये पागल है, ये इन जोड़ के ये तो है, ये जोड़ के ये, अबे ये इसको नहीं जोड़ा क्या? ये क्वेश्चन आधे अधूरे हैं यार इस वाले में तो। अगर कुल देखा जाए, अगर मैं कुल में देखता हूँ तो कुल प्राथमिक क्षेत्र वाला है सबसे अधिक, तो ठीक है, तो प्राथमिक सबसे अधिक है,
ठीक है, तो इस पर टिक कर देंगे हम, अगर जो भर सकते हो तो भर भी लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि नहीं है? प्राथमिक क्षेत्रक प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि नहीं है, मछली पालन, निर्माण और खनन, लेबरिंग होना चाहिए भाई, लेबरिंग ऐसे लिख लेते यार, दो मात्रा लगा लेते, लेबरिंग अब सही है ना, लेबरिंग अब सही है ना, अब सही है। तो इसका होगा निर्माण में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र का निर्माण नहीं है, ठीक है, कृषि से कोई भी संबंधित नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र क्षेत्र या क्षेत्र के संबंधित नहीं है? तृतीय क्षेत्र बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, मछली पालन। तो कौन सा आपको प्यारे बच्चों इसमें से लग रहा है? तो मछली पालन, अभी तो देखा आप मछली पालन किस में गया था, प्राथमिक क्षेत्र में तृतीय में कैसे आ जाएगा, परिवहन ठीक है, और बैंकिंग और क्या कहते हैं, और ये सब कौन से में आपके सेवा क्षेत्र में चले जाते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 26, असंगठित क्षेत्र की विशेषता को पहचाने, असंगठित क्षेत्र की विशेषता को आपको पहचानना है और बताना है। नियमों और विनियमों या कानूनों को पालन की जाती है, असंगठित क्षेत्र की पहचान की पालन की जाती है, अच्छा जी। श्रमिक रोजगार की सुरक्षा का आनंद लेते हैं, श्रमिक रोजगार की सुरक्षा का आनंद लेते हैं, असंगठित क्षेत्र में आनंद लेंगे, कुछ रोजगार सुरक्षित नहीं, यह कुछ औपचारिक प्रोसेस और प्रोसेसिंग का पालन करता है, नियमों विनियमों कानून की पालन की जाती है। भाई असंगठित में पालन करेगा, कोई पालन नहीं करता भाई, कहीं धरियां उड़ रही होती हैं। अगर सरकार इतना नियम कानून जीएसटी हर्ष लेने लगे ना, देश ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा जमीन पे तुरंत। श्रमिक को सुरक्षा गारंटी आनंद लेते हैं, बिल्कुल भी आनंद कहां लेते हैं यार। तो यहां पे इसका ग बिल्कुल सही है, रोजगार सुरक्षित नहीं होता असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पास किया गया, ये आपका होमवर्क है। वीडियो जो मैं इसकी वीडियो जो भाग 10 बनाया था, एसएसटी सामाजिक विज्ञान भाग 10 बताया था, तो मैंने स्टार्टिंग में इसकी नोट्स भी दिखाए थे, तो उसे आप देख के कर सकते हैं, और मैंने इसकी पीडीएफ भी शायद दे दी है ना, तो वहां से भी आप झांक के बता सकते हैं। और वैसे वीडियो आप भाग 10 देख लेंगे तभी भी आपको पता चल जाएगा, शुरुआत में ही पता रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 28, 2017-18 में निम्नलिखित में से भारत के क्षेत्र में सबसे कम नियोक्ता एम्प्लॉयर रहे हैं, सबसे कम किस क्षेत्र में रहे? प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक, आईटी क्षेत्र। भाई साहब आईटी क्षेत्र में हल्के मत लेना भारत को, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशन आईटी रहे यहाँ पे, ठीक है। आईटी होता है और एक आईटीआई होता है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है माध्यमिक द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, सबसे कम यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं, एक ऐसी स्थिति है जब लोग कार्यरत हैं परंतु वे अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, मतलब कार्यरत हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, तो किसमें आएगा? अल्प रोजगार, रोजगार में तो आएगा ही नहीं, मौसमी रोजगार, ये भी प्रचंड बेरोजगार, ये अल्प रोजगार है, ठीक है, से कम काम कर रहे हैं, करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को मापने का कार्य द्वारा करती है, केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार मंत्रालय, तो यहाँ पे टिक कर दे दीजिए, सीधे पे ग्राम पंचायत किसी भी सेक्टर पे नहीं होता, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये पिछली वीडियो 10 देख लेना तब समझ में आ जाएगा ये कौन सी चीज थी। राजमिस्त्री लिख देते इसे, अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से है, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके माल का उत्पादन डैश के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक संसाधनों को छोड़, ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, तो इसका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, किसमें? प्राथमिक क्षेत्र, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेवा क्षेत्र में तो जाएगा नहीं प्राकृतिक संसाधन करने के लिए, सार्वजनिक और निजी दोनों होता है, ये वाला भी नहीं हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, 32 क्या कह रहा है आपका, अध्ययन के लिए रोजगार और गैर रोजगार के आंकड़े कहां से प्राप्त किए गए हैं? तो NSO, ठीक है, ये पिछले भी वीडियो में हमने आपको बता दिया था, इस वीडियो में अभी आया है, ठीक है, NSO नेशनल स्टैटिक ऑफिस, पिछले वीडियो में भी था प्यारे बच्चों, ठीक है, जो 30 वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, ऐसी गतिविधियों जो स्वयं सामना का सॉरी
सामान का उत्पादन नहीं करती है, लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायक होती है। देखो, स्वयं उत्पादन नहीं करती लेकिन सहायक होती है, कहलाती है प्राथमिक, निजी, औद्योगिक, तृतीय क्षेत्रक में। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 34, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों का उद्देश्य होता है लाभ प्राप्ति। और क्या, और क्या होगा? लाभ ही प्राप्ति होगा, बिल्कुल सही है। और मनोरंजन, अच्छा मनोरंजन, अच्छा कोई बिजनेस करेंगे मनोरंजन के लिए। समाज कल्याण और सुरक्षा, हाँ ठीक है, समाज कल्याण के लिए भी ठीक ठाक, उतना बुरा नहीं है कोई भी, कोई समाज कल्याण भी ठीक ठाक से लग रहा है। इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। अरे प्यारे बच्चों, इसमें दो अगर दे रखा है तो कोई भी अगर बिजनेस खोलता है किस लिए खोलेगा? समाज कल्याण के लिए या अपने फायदे के लिए? मोस्टली लाभ प्राप्ति के लिए कोई भी बिजनेस करेगा, ठीक है, नहीं तो समाज तो उसको चीनी नहीं देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे, निम्नलिखित को मिलाए, निम्नलिखित को मिलाए, कृषि क्षेत्र की समस्याएं, कुछ संभावनाएं। ठीक है, तो असिंचित भूमि, फसलों की कम कीमत, ऑफ सीजन में कोई काम नहीं, फसल के बाद तुरंत अपना अनाज स्थानीय व्यापारी को बेचने को मजबूर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है, कुछ संभावित उपाय हैं। कृषि आधारित मिलों की स्थापना, ठीक है, ठीक है, फसलों की कीमत, ठीक है, अब ये और पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ये देखो फसल की कीमत फसलों को बेचने के लिए काम आती है, ठीक है, स्थानीय निवासी को बेचते हैं, तो इस वाले में चला जाएगा ये वाला, चौथे का बी। सरकार द्वारा खनन की खरीदारी, हाँ खनन खरीदारी होती है। एक बार और देखते हैं, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, तो असिंचित भूमि और नहर का निर्माण, इन दोनों सही लग रहा है, तो इसका डी कर लेंगे। अब कौन सा बचा? ऑफ सीजन में कोई काम नहीं, सरकार द्वारा खत्ता खरीद बिल्कुल नहीं, कृषि आधारित मिलों की स्थापना, ये फसलों की कम कीमत, कृषि आधारित की स्थापना नहीं होनी चाहिए सरकार द्वारा, ये ठीक है। और ऑफ सीजन कोई काम नहीं, कृषि आधारित मिलों की स्थापना करनी चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, तो पहले का आ जाएगा डी, ठीक है, दूसरे का आ जाएगा सी, इसका आ जाएगा ए, इसका आ जाएगा बी, ठीक है, चौथे का यही है ना, बी, डी सी ए बी, डी सी ए बी का इसका सही है। तो यहां पे हमने 35 क्वेश्चन बच्चों कर लिए। ठीक है, अब देखो आज कुछ समय बचा तो ये भी देख लो, स्रोत आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, गद्यांश को पढ़कर नीचे गए गए प्रश्नों को उत्तर देना, इस प्रकार से आपको गद्यांश पढ़ने के लिए आएगा, फिर ये प्रश्न पूछता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र को बताइए। ठीक है, इस प्रकार से जैसे जैसे कृषि, ठीक है, 3 क्वेश्चन बताइए गद्यांश, तो ठीक है ये रही, ठीक है, और भी सारी चीजें इस प्रकार से हैं। फिलहाल ये भाग 11 समाप्त होता है, अब हम मोस्टली किस चैप्टर पर चलेंगे, ये आपका सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर प्रश्न पत्र उत्तर सहित पर चलेंगे, और आपको बताएंगे कौन सा प्रश्न उन्होंने कहाँ से दिया है, उसी प्रकार के हम प्रश्नों की और प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम पेपरों में धुआंधार नंबर लेके आएंगे। माय सीबीएसई क्लास, इस वीडियो को देखने धन्यवाद। अगर आपको इससे थोड़ा सा बेनिफिट मिला हो तो लाइक जरूर कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।